अयोध्या जनपद के जिला पंचायत सभागार में निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल निषाद पार्टी द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार का अभिनंदन समारोह बड़ी ही धूमधाम से आयोजित किया गया। साकेत न्यूज से वार्ता करते हुए डॉक्टर संजय कुमार ने समाजवादी पार्टी व बहुजन समाजवादी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि सपा सरकार में शंखलाल मांझी द्वारा शासनादेश लागू तो हुआ किंतु अखिलेश यादव ने इसे तुरंत रुकवा दिया। आज भाजपा की तारीफ करते हुए कहा कि योगी व अमित शाह द्वारा लिए गए फैसले से अति पिछड़ी जातियां कहार कश्यप केवट मल्लाह निषाद आदि 17 जातियों को शामिल करने पर सराहनीय कार्य किया गया है। आज इस अवसर पर निर्बल इंडियन शोषित हमारा दल निषाद पार्टी के बाबूराम निषाद राजेश कुमार निषाद अनिल निषाद आसाराम निषाद के साथ निर्बल इंडियन शोषित हमारा दल आम दल निषाद पार्टी के नेता एवं कार्यकर्तागण शामिल है। पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं लंबे समय से संघर्ष कर रहा हूँ। इस पार्टी का निर्माण ही है कि संविधान में मिले हुए सूची में 66 समूह है और केवल एक लाठी हाथी वाले ही उसका हिस्सा खा रहे हैं और 66 समूह बेचारे परेशान हैं। ऐसे में एक शासनादेश हुआ था 21/12/22 का कि अनुसूचित जातियाँ हैं, क्योंकि 1957 से पहले अनुसूचित जाति की सूची इन्हें सीधे मिलती थी। 1961 में जो है राष्ट्रपति ने इन्हें नोटिफिकेट करके कह दिया कि इन्हें केवट मल्लाह मझवार हैं और जो है कश्यप कहार धीमर है, धीमर जो है तुरैया है, और कह दिया कि जो है ये तेली बढ़े लोहार कुम्हार प्रजापति ये शिल्पकार है, राजभर भर जो है पासी हैं। तो ये राष्ट्रपति नोटिफिकेशन कर दिया 1961 में, लेकिन हमसे धोखेबाजी से हमें पिछड़ी जात में 1994 में डाल दिया। तो ये फिर ये हल्ला हो गया कि ये पिछड़े हैं पिछड़े हैं पिछड़े हैं। अयोध्या जनपद के ग्रामीण अभियंत्रण विभाग अयोध्या प्रधान सहायक राजपाल की विदाई समारोह बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मदन पाल वर्मा अशासी अभियंता एवं संचालन मुक्ति नारायण भारती ने किया। मदन लाल वर्मा ने कहा राजपाल ने इस विभाग में 39 वर्ष 5 माह कार्य किया, इनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। कोई कार्य बड़ी ही निष्ठा ईमानदारी से किया करते थे। इसी कड़ी में राजपाल को महात्मा बुद्ध की मूर्ति एवं साल उड़ाकर माला पहनाकर विदाई दी गई। इस अवसर पर राम अवध तेज प्रकाश भारती मन्नू सिंह वरिष्ठ सहाय लिपिक एवं ग्रामीण अभियंता विभाग के तमाम अधिकारी व कर्मचारी शामिल है। इसी कड़ी में विकास भवन के सभागार में बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी बत देव पांडे का विदाई समारोह की अध्यक्षता जिला अधिकारी अनुज कुमार झा एवं संचालन किरण श्रीवास्तव द्वारा किया गया। बत देव पांडे को जिलाधिकारी द्वारा माला पहनाकर स्मृति चिन्ह भेंट कर साल ओढ़ाकर सम्मान पूर्वक विदाई दी गई। जिलाधिकारी ने इनकी कार्यों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारी को एवं अधिकारियों को इनसे सीख लेनी चाहिए, इनकी कार्यशैली कर्तव्य निष्ठा पूर्वक इनका कार्य सराहनीय रहा। इस अवसर पर CDO ADM सिटी के साथ तमाम अधिवक्ता चकबंदी के अधिकारी व कर्मचारी या एवं विकास भवन के अधिकारी व कर्मचारी शामिल है। आज आपका विदाई समारोह है और आप जो है यहाँ के वर्करों को क्या संदेश देना चाहते हैं, आप कैसा जीवन देना चाहते हैं? जो कर्मचारी जहाँ पटल पर हैं अपने अपने कार्य कर रहे हैं वो ठीक ढंग से करें, यही मेरी क्या कहते हैं अंतिम विदाई। और क्या संदेश देना चाहते हैं आप, कैसे क्या है, कैसा बीता आपका इन लोगों साथ? हमारा बहुत अच्छा बीता, कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन अब जो सरकारें आ रही तरह तरह की काम करने में अब बहुत उस तरह के लोग नहीं रह गए हैं जो काम करना, यही मेरा संदेश है। क्या नाम है आपका, किस? मेरा नाम राजपाल है, मैं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग में प्रधान सहायक था, आज मेरी सेवानिवृत्ति है। कितने वर्षों तक आपने यहाँ पर कार्य किया? हमने 36 साल तक नौकरी किया। आज एसओसी साहब का सेवानिवृत्त होने से आप क्या? कल दिनांक 30/6 को इसका सेवानिवृत्ति था, सेवा कार्य था और उसके बाद आज का कार्य दिवस है। इसके विभाग के और साथ ही कलेक्ट्रेट के पास पहुंचे, साथ ही जो हमारा बार एसोसिएशन है उनके प्रतिनिधि आकर के बहुत सारी शुभकामनाएं दी कि इनका जो आगे का जीवन है वो ये स्वस्थ रहे, अपने परिवार में खुश रहें और अपने समाज को कुछ सेवा दें, वहाँ भी कॉन्ट्रीब्यूट करें, आगे इनका जीवन सुखमय है। इसके लिए हम सब लोगों ने समाजवादी पार्टी के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जन्मदिन दिव्यांग सभा नेता पंडित समरजीत ने बीकापुर विधानसभा क्षेत्र गुंधौर
ग्राम में असहाय वृद्ध व विधवा महिलाओं के बीच केक काटकर जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया। दर्जनों गरीब एवं असहाय महिलाओं में साड़ी वितरित किया तथा गरीब महिलाओं ने सपा मुखिया को आशीर्वाद भी दिया। पंडित समरजीत ने कहा, सपा मुखिया गरीब एवं असहायों की मदद करने का काम करते हैं। समाज के गरीब तबके के लोगों के लिए सदैव संघर्ष करते रहते हैं एवं गरीब एवं असहाय महिलाओं का आशीर्वाद सदैव इनके ऊपर बना रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। आज के इस कार्यक्रम में फूल कला जसोदा देवी, कंचन देवी, सुनीता भारद्वाज, राम कुमारी, विनीता, नीलम द्विवेदी, सावित्री देवी, जनक दुलारी, कुसुमा शांति देवी के साथ तमाम महिलाएं व गरीब बच्चे शामिल रहे। आज हमने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश भैया का जन्मदिन पीकापुर विधानसभा के ग्राम सभा गुंधौर में गरीब महिलाओं, विधवा एवं तमाम वृद्ध महिलाओं के साथ आज हमने केक काटकर जन्मदिन मनाया और गरीब महिलाओं को हमने साड़ी भी वितरित किया। और सदैव हम चाहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भविष्य सदैव उज्जवल हो और हमारी यही इच्छा आंतरिक है कि सदैव गरीबों मजलूमों के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सदैव संघर्ष करते रहे, हमारी यही उनके लिए शुभकामनाएं। क्या नाम आपका? पंडित समरजीत, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी।